बार थोड़ी देंगे, एक मिनट हो जाओ, थोड़ा माइक नीचे शुरू करें। एक मिनट बताओ, आज का परिणाम आ रहा है क्या? क्या आप कैसे देखते हैं इस सीट को? आज का जो परिणाम है, ये सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र की जनता के प्रति मेरा समर्पण, मैं उनको उनके चरणों में नमन करता हूँ। ये उनकी जीत है, ये आपको जानते हैं। जिस तरह के आंकड़े अभी आने वाले हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ है आधिकारिक रूप से, लेकिन लगभग हम 8,000 मतों से जीतते जा रहे हैं, ऐसा अनुमान है। और जिस तरह का वैमनस्य फैलाकर आपने देखा, आपके माध्यमों से भी जिस तरह का वैमनस्य फैलाकर चुनाव किया जा रहा था, हमारी सहारनपुर की जनता ने, जो गंगा जमनी तहजीब की जनता है, उन्होंने मुंह पर तमाचा मारा है और बताया है हम गंगा जमनी तहजीब में रहते हैं, हम इसी से अपने नगर को, नगर निगम को आगे ले जाएंगे। मैं अपने छायाकार मित्रों का, पत्रकार मित्रों का, मेरी पहली प्राथमिकता अगर आपके लिए बताऊं तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी सहारनपुर में प्रेस क्लब बनाना, आज तक नहीं है। जी मंत्री जी, ये नगर निगम की सीट पर एक बार फिर भाजपा का कब्जा हुआ है, तो इस पर आप इस जीत को क्या कहेंगे? ये मैं नगर की सभी जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूरे बोर्ड को चुना है, इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। और ये जो विकास के नाम पर, यानी भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य विकास, अब जातिवाद की और समाज को तोड़ने की और लोगों के दिलों में नफरत की आग पैदा करने की राजनीति जो है समाप्त हो चुकी है, केवल विकास की राजनीति चलेगी। और वही विकास पर सहारनपुर की जनता ने मोहर लगाई है, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। पहली बार देवबंद में कमल का फूल खिलने जा रहा है, लगातार बढ़त बनाए हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? जनता ने वहाँ भी आशीर्वाद दिया है और जनता ने जिले में और जगह भी आशीर्वाद दिया है, तो इसलिए मैं पूरे जिले की जनता को बधाई देना चाहता हूँ।